पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज मुरादाबाद जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर योगी सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ मुरादाबाद के नारे लगाए और एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम भेजा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी सलाउद्दीन मंसूरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज जीएसटी को सरल बनाने के लिए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भेजा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में जंगल राज हो चुका है, क्राइम का स्तर बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, बहु बेटियां माँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लगातार पेट्रोल घरेलू गैस के दाम बढ़ रहे हैं और सरकार आंखें बंद करे हुए बैठी है। उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की है कि पेट्रोल और घरेलू गैस के बढ़ते दामों को रोक लगाई जाए और उन्होंने किसानों को पक्ष में रखते हुए कहा कि सरकार तानाशाही रवैया दिखा रही है और किसानों की बात नहीं मान रही। जीएसटी की विसंगतियों को लेके जो छोटे व्यापारी के सामने समस्या है, जिसे जीएसटी को लेके ना तो वकील ही समझ पा रहे हैं ना ही सीए समझ पा रहे हैं। इतनी जटिल प्रक्रिया कर दी है सरकार ने और कारोबार चौपट है। कोरोना की वजह से बहुत ही बदहाल हो रहा है व्यापारी, छोटा व्यापारी लगातार कारोबार बंद कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही, ना ही उनका कोई सहयोग हो रहा। इसी संबंध में आज प्रदेश कार्यालय की तरफ से हमें राज्यपाल जी को ज्ञापन देना है डीएमजी के माध्यम से। और इस सरकार में हमेशा व्यापारियों को उत्पीड़न होता रहा है और हम लोगों की सभी की व्यापारियों की पूरी टीम की और पूरे समाजवादी पार्टी की तरफ से हमें ये ज्ञापन देना है कि हम मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को 2022 में ला सकें, जिससे व्यापार को हम सुचारू रूप से चला सकें। क्या मांगे रहेंगी इस दरमियान आपकी? इस मांगे जो जीएसटी की प्रक्रिया है उसको सरल किया जाए, छोटे व्यापारियों का जितना भी जीएसटी है उसे नील किया जाए और उसकी कोई कंडीशन ना हो। अगर वो कारोबार करता है तो सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर रजिस्ट्रेशन हो उसका, जबकि ये सरकार ने कहा था कि कोई उत्पीड़न नहीं होगा, लेकिन लगातार उत्पीड़न बढ़ रहा है छोटे व्यापारी का। और बड़ा व्यापारी जो बड़ी मछलियां हैं वो छोटे व्यापारी को खा रही हैं, मॉल कल्चर हाविल है और गली दुकानों में दुकानें बंद होती जा रही हैं। जीएसटी को लेकर और महंगाई को लेकर उसके लिए हमने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन ACM साहब के माध्यम से भेजा है। लिहाजा इसी बात को लेकर हम आए थे कि जिस तरीके से जीएसटी के अंदर और महंगाई को लेकर के जो व्यापारी हमारा परेशान है, व्यापारी का जीएसटी का पैसा जितना रुका पड़ा है उसको लेकर के जो व्यापारी परेशान है, उसके बच्चे परेशान हैं, पढ़ाई से परेशान हैं, भूख से परेशान हैं, उसकी समस्याओं को हल कराने के लिए लेकर आज हम ये ज्ञापन देने आए थे। अगर सरकार इस पर अमल नहीं करती है तो फिर समाजवादी पार्टी व्यापार सभा उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से धरने प्रदर्शन, सड़कों पर उतरने का काम करेगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।